और चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है और इस खास मौके पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा से समर्पण कैंपेन चलाया जा रहा है। आज के दिन भर देश भर में मेगा वैक्सीनेशन का अभियान भी चलाया गया। पीएम मोदी आज 71वें साल के हो चुके हैं। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने देश के अलग अलग हिस्सों में अभियान चलाया, स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए। वहीं शुक्रवार को भारत ने वैक्सीनेशन के अब सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। आपको बता दें कि अब तक रिकॉर्ड 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज लोगों को दिए जा चुके हैं। मेगा वैक्सीनेशन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में कायम कर दिया है। वहीं लगातार कोविन ऐप पर अभी भी वैक्सीन का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है, जिसको लेकर पूरे देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी भी सेवा से समर्पण कैंपेन चला रही है। वहीं आज देश भर में मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि अलग अलग हिस्सों में अभियान चलाया जा रहा है, स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद अब बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अब तक 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता न्यूज रूम से गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो गौरव, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है और आज स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप लगाकर मेगा वैक्सीनेशन अभियान को चलाया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को विभिन्न तरीकों से, विभिन्न आयोजनों के माध्यम से मनाया जा रहा है। कहीं पर दिव्यांगजनों को साइकिल बांटी जा रही है, उपहार बांटे जा रहे हैं और कहीं वैक्सीनेशन, अधिक से अधिक वैक्सीनेशन द्वारा इस जन्मदिन को मनाने की कवायद चल रही है और वो लगभग बहुत तरह से सफल भी नजर आई है कि लगभग देश में 2 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 35 लाख लोगों को टीका लगाया गया है, जिसके लिए शासन द्वारा पूरी तैयारी की गई थी। लगभग 4,045 सेंटर बनाए गए थे और जिसमें से लगातार 35 लाख लोगों को टीका लगाया गया है। तो गौरव, जिस तरह से आज मेगा वैक्सीनेशन डे मनाया जा रहा है, जिस तरह से पीएम मोदी के जन्मदिन को आज इस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है, रिकॉर्ड 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के डोज 5 बजे तक दिए गए हैं, ऐसे में आगे क्या ये आंकड़ा अभी भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि देश में वैक्सीनेशन जो एक समय बहुत कम चल रहा था, निम्न स्तर पर चल रहा था, आज बहुत अच्छा स्तर ले चुका है, क्योंकि सामाजिक संगठनों द्वारा भी और शासन द्वारा भी वैक्सीनेशन की जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो बहुत बेहतर हो गई हैं। क्योंकि पहले केवल मात्र चिकित्सालयों में वैक्सीनेशन हो रहा था, अब सामाजिक संगठन भी लगा रहे हैं, पार्षद भी अपने स्तर पर उसका कर रहे हैं। तो इसके अलावा जिस तरह से जो कवायद चल रही है वैक्सीनेशन की, कि कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है, उसमें शासन, एनजीओ, संगठन सब जुट गए हैं, जिससे बेहतर तरीके से टीकाकरण हो पा रहा है, जिस तरह से आज 2 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया है। जी, तो गौरव, जिस तरह से पूरे देश में मेगा वैक्सीनेशन का अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज भी दी जा चुकी है, ऐसे में उत्तर प्रदेश मेगा वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह से तैयार दिखाई दिया, किस तरह से खास इंतजाम किए गए थे जिसके बाद लोगों को वैक्सीनेट ज्यादा से ज्यादा किया गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आज 35 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगाया गया है जी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी तैयारी की गई थी शासन द्वारा। 4,045 सेंटर बनाए गए थे, उन सेंटर पर लोगों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें पहली और दूसरी डोज दोनों लगाई गई थी। ठीक है, वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी रिकॉर्ड 1,18,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाया गया है। जी गौरव, तो जिस तरह से वैक्सीनेशन की हमने बात की, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पर भाजपा के द्वारा और क्या कुछ कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में खास देखने को मिले हैं? देखिए, कार्यक्रम की बात करूं तो कहीं लंगर भी आयोजित किए गए हैं। भाई, अगर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की बात करें तो हनुमान सेतु पर उन्होंने यज्ञ किया था और दीप जलाए थे, 71 दीप उनके द्वारा जलाए गए थे। वहीं राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा खुद मूक बधिर निर्माण संस्था का जो राजकीय बालगृह है, वहाँ पर जाके दिव्यांगजनों को उपहार भी बांटे गए थे, मिठाइयाँ भी बांटी गई थी और उनको ट्राइसाइकिल भी दी गई थी। तो कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के जो जन्मदिन था उसको बहुत बेहतर तरीके से मनाया गया है। सुलभ इंटरनेशनल जल जो सफाई संस्था है उसके द्वारा भी स्वच्छता दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें कि स्वयंसेवकों द्वारा मास्क दिया गया, स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी की हमेशा पहल रही है कि देश को स्वच्छता दी जाए प्रॉपर तरीके से। ये स्वच्छता में देश का सपना हो, कहते ना कि स्वच्छता अभियान चलाया गया, पिछले साल भी चलाया गया था, उसी पहल को देखते हुए जगह जगह कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं और लंगर भी आयोजित कराए गए हैं, कहीं रक्तदान शिविर भी लगाया गया है। तो विभिन्न तरीकों से उनके जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन आज मेगा वैक्सीनेशन अभियान के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसके बाद आज मेगा वैक्सीनेशन अभियान के तहत वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने दर्ज करवा लिया है। आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक अब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं।